नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमर सिक्स में। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एस्टेट के बाद कोई वैकेंसीज वगैरह की कोई खबर ही नहीं थी। बार बार टेस्ट हो गए थे, कुछ वैकेंसीज थी वो वापस ली जा रही थी। तो अब एक बड़ी अच्छी खबर आई है TGT के लिए। TGT वालों के लिए वैकेंसीज, जो हमारे जो HSSC के चेयरपर्सन्स हैं, चेयरमैन हैं, जो भोपाल सिंह खदरी, उन्होंने कहा कि TGT की वैकेंसी हम जल्दी ही फिल करने वाले हैं, यानी कि बहुत जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 1500 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर 900 हमारी मेवात कैडर में और जो बाकी की 600 हैं वो बाकी के हरियाणा वाले पार्ट के लिए। तो ये अच्छी खबर है। खबर इसलिए भी अच्छी है कि अगर TGT की वैकेंसी स्टार्ट होती है तो PRT की और PGT की भी होगी। एक न्यूज़ के अंदर तो ये भी आया हुआ था कि लगभग 50,000 पद जो हैं टीचर्स के वेकेंट हैं। स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, इसीलिए कि टीचर्स की वैकेंसीज अभी अच्छी तरह से फिल नहीं हो पा रही हैं, टीचर्स की कमी है इसलिए। तो एक बार अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर PGT और PRT वालों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने अपना TGT के लिए SAT चाहे CTET को भी हरियाणा के अंदर मान्यता दे दी गई है, जिसका SAT क्लियर हो चुका है या जिनका CTET क्लियर हो चुका है TGT के लिए, उन सब के लिए एक गुड न्यूज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी शुरू कर दो स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि अब जो है बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो कैंसिल हुई और दोबारा से निकली, फिर कैंसिल हुई। CET का टेस्ट आया, अब तो CET की डेट भी आ चुकी है नवंबर के अंदर। नवंबर में अगर CET का एग्ज़ाम हो जाता है तो साथ के साथ ये प्रोसेस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद PGT और PRT की वैकेंसीज को फिल होने से नहीं रोका जा सकता। तो यही आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेशन थी जो मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए लेके आई हूँ। तो तैयारी करते रहिए। TGT वालों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और PRT और PGT वालों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि एक प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ, कम से कम एक आगे की कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि इतने दिनों से कहीं कुछ नहीं था। PGT की वैकेंसी निकली, लगभग 3800 वैकेंसी जिनको ड्रॉबैक कर लिया गया। PRT की वैकेंसी 10-12 साल से निकल ही नहीं रही है, और जो TGT की वैकेंसीज है इंग्लिश की वापस ले ली, संस्कृत वाली एक बार दोबारा लेके फिर टेस्ट हुआ। तो काफ़ी सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते गए। तो अब लग रहा है कि बीच में 2 साल कोरोना में वैसे ही कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं तो आप सबसे यही कहूँगी, जो PGT और PRT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT की, जिनका SAT क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। नया SAT नवंबर में फिर से आने वाला है, एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दो। जिनका क्लियर है वो स्क्रीनिंग की तैयारी करें, और जिनका क्लियर नहीं है वो SAT की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उनको भी फिल करनी ही पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेशन के साथ। थैंक यू।